जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा विजयपाल। मैं इस समय दतिया क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर दतिया के सोहन गांव में जनसंपर्क के दौरान हमारी आज खास मुलाकात भिंड के जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया से होने जा रही है। रामनारायण हिंडोलिया जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इसके साथ साथ दतिया जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी के करीबी लोगों में से माने जाते हैं। आज बात करेंगे, 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, जनता की काफी उम्मीदें हैं, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उन उम्मीदों पर खरा उतरेगी, या कांग्रेस पार्टी ने जो वचन दिए थे क्या उन वचनों को अमल करने में कांग्रेस पार्टी कहां तक खरी उतरेगी। बात करेंगे भिंड जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया जी से। रामनारायण हिंडोलिया जी, आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। आपने बड़ी अच्छी बात कही राजा भैया पाल जी। जी मैं आज दतिया में अपने यहाँ पर किसान सम्मेलन में भांडेर में उपस्थित हुआ। जी वहाँ की जनता का उत्साह देख करके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जी उन्होंने मेरे सम्मान पूर्वक बुलाया भिंड से। जी इसके लिए मैं उनका तदेव आभारी रहूँगा। जी और जैसे आपने कही कि अपेक्षा है, जी जैसे किसी पुत्र की पिता उसको करता है, जी खिलाता पिलाता है, बड़ा करता है, जी तो पिता को भी पुत्र से उम्मीद रहती है कि मेरे बुढ़ापे में वो मेरा साथ दे। इसी तरह से आज 15 साल के बाद 14 वर्ष में तो भगवान राम लौट के आ गए थे, जी और 15 साल में आज हमारी कांग्रेस की सरकार लौटी है। जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो 15 साल के हो गए होंगे, उनको तो पता ही नहीं कि कांग्रेस या मध्य प्रदेश में है भी कि नहीं। जी ऐसे लोगों को आज पता लगा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और जो वचन पत्र में हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में जो दिया है कि हम वचन पूर्वक करते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पेंशन देंगे, कई अन्य अन्य घोषणाएं जो करी हैं, तो वचन पत्र के साथ में हम पूरी करने जा रहे हैं। कुछ घोषणाओं की हम लोकसभा के पहले करेंगे और कुछ घोषणाओं को लोकसभा के बाद करेंगे, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। अभी हमारी सरकार को आए मात्र 47 दिन हुए हैं और 47 दिन में हमने बड़े बड़े फैसला लिए हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने उनके नेतृत्व में। अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आए थे भोपाल में, उसमें उन्होंने चुन चुन करके अपना बताया था कि किसानों का कर्जा माफ करने में केंद्र सरकार को घबराहटी है और अरबपतियों को पैसा माफ, उन्होंने भगोड़ाओं को छोड़ दिया है और लेकर के कर्जा यहाँ से हमारे यहाँ से चले गए हजारों लाखों करोड़ रुपए। जबकि केंद्र में हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 72,000 करोड़ रुपए माननीय सोनिया गांधी जी ने माफ किया था मनमोहन जी की सरकार में। आज कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, उन्होंने मात्र 1 घंटे में अपना शपथ लेने के 1 घंटे के भीतर उन्होंने कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी और उस पर लगातार ईमानदारी के साथ में काम चल रहा है। और जिन सेक्रेटरियों ने भ्रष्टाचार किया है उनके प्रति हमारी और माननीय हमारे प्रभारी मंत्री दतिया के और हमारे जिला पंचायत के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में, वो बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है और उनका मैं भक्तों चेला हूँ और मैं ईमानदारी के साथ में कहता हूँ कि उनको सजा मिलना चाहिए और मिलेगी भी, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिन किसानों के मर गए हैं, जो किसानों ने कर्जे ही नहीं लिया है, उन किसानों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा सोच है। अध्यक्ष जी रामनारायण हिंडोलिया जी, आपका नाम भी प्रत्याशियों में ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है, आप भी प्रत्याशी हो सकते हैं भिंड दतिया जिले के, क्या लग रहा है आपको, कितने आपसे उम्मीद लगाए बैठे कांग्रेस पार्टी की आपको टिकट दे जा रही है, यदि आपको टिकट देती है तो भिंड दतिया जिले के लिए आपकी क्या उम्मीद है, क्या कर सकते हैं आप भिंड दतिया के लिए। जैसे राजा भैया पाल जी आपने बड़ी अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आशा ही नहीं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे को 4 साल आज जिला पंचायत का अध्यक्ष बने हुए हो गए और भाजपा की सरकार में होते हुए आज आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में निर्विरोध जिला पंचायत है, उसमें हमने ईमानदारी के साथ में काम किया है जनता के बीच में। पूरे जिले में आप पूछ सकते हैं, भिंड जिले की जनता हमारे से बिल्कुल खुश है और हम उनके लिए पूरा काम कर रहे हैं ईमानदारी से। इसी तरह से उसके साथ में 1 और 1 11 अगर दतिया की भी जिम्मेदारी मिलती है हमें
अगर पार्टी का नेतृत्व हाईकमान चाहता है तो जिस तरह से मैंने 4 साल रह करके विपक्ष में रह करके भिंड में ईमानदारी से काम किया, ऐसे मैं भिंड और दतिया लोकसभा की जनता को पूर्ण रूप से संतुष्ट करूंगा और ईमानदारी के साथ में करूंगा और जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी देते हैं तो मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा इतिहास है और इतिहास में अपने वचन के वचन पत्र की तरह, जैसे कांग्रेस सरकार हमारी मध्य प्रदेश की काम कर रही है, ऐसे में लोकसभा में जो वचन पत्र आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस वचन पत्र में पूरी तरह से खरा उतरूंगा। जी, तो क्या किसानों के लिए खास तौर से क्या स्वागत होगी? किसान इस समय बहुत परेशान है। किसान जो है अपने खेतों को रखाता है, उसकी पूरा आवारा गाय ने किसानों को बर्बाद कर दिया, उनकी नींद जो है खेत की मेड़ पर गुजरती है, तमाम टॉर्च लेकर के घूमते हैं किसान, उनको घर पर सोना चाहिए लेकिन आज वो खेतों पर सोते हैं। तो उन किसानों के लिए क्या योजना है आपकी सरकार की? उसके लिए हमने बिल्कुल वचन पत्र में रखा है कि गौशाला खुलवाएंगे और गौशाला खुलवाने का कार्य मेरा कलेक्टर भिंड से छोटे सिंह जी से बात हुई थी अभी 4 दिन पहले। उनने मेरे को कहा कि हम जगह चिन्हित कर रहे हैं अध्यक्ष जी और जल्दी से जल्दी हम लोकसभा के पहले चिन्हित जगह जितनी होती जाएंगी उस चिन्हितों पर हम काम करना शुरू करेंगे। और फिर मैंने उनको एक संदेशा भी दिया था कि ये तो भाजपा सरकार हमें खोखा करके चली गई 2,00,000 करोड़ रुपए कर्जा धर के हमारे सिर पे, मगर हम उसके लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री मालनपुर है जहाँ से मेरा निवास है, मैं निवास से आता हूँ, वहाँ पे एक CSR का पैसा मिलता है 2%। और वो फैक्ट्री वालों को हम एक मीटिंग बुला करके ये कहेंगे आप 2% जो पैसा मिलता है वो गौशाला के लिए लगाइए। तो इसी तरह से हमारी जो इंडस्ट्री दतिया में भी होंगी उनको भी हम प्रभारी मंत्री जी को निवेदन करेंगे कि आप भी यहाँ पे निर्देशित करके और इनका 2% जो CSR का पैसा है वो गौशाला में लगवाएं। ऐसा मेरा मानना है। इन लोगों ने तो अभी मैंने पेपर में पढ़ा था, अभी आदरणीय मोदी जी ने ये घोषणा करी है कि 6,000 रुपये हम किसान को एक साल में देंगे। तो क्या हमें ये मोदी जी क्या हमारे किसान भाई को एकदम बिल्कुल समझ रहे हैं कि उनके 3.5 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ता है कि 3.5 रुपये ला गई है किसान हमारा? अगर उनको घोषणा करना थी तो अच्छी घोषणा करते जहाँ से हमारे किसानों को लाभ होता। इस तरह का मेरा सोच है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें भी वचन पत्र में भी इसी तरह का आएगा, वादा नहीं है वचन पत्र है। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हमारी अपेक्षा है कि वो भी हमारे लोकसभा के पहले वचन पत्र आएगा, उस पर हम काम करेंगे, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उसको निर्वाह करेंगे। जिला पंचायत जी एक सवाल आपसे ले लेते हैं, यहाँ पर समय पूर्ण होने जा रहा है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के आप फैन हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी साथ काम करते हैं, क्या वजह मानी जाती है कि आप उनसे लगातार उनके साथ रहते हैं? देखो उनका एक ही कहना है राजा भैया पाल कि हमें 100 गद्दारों की जरूरत नहीं है, एक वफादार की जरूरत है। ऐसा अभी सेवा दल का जो शिविर लगा हुआ था उसमें उन्होंने पोस्टर भी लगवाए थे और मैंने माननीय कमलनाथ जी की सभा में इस बात का बोला भी था कि यहाँ पर 100 गद्दारों की जरूरत नहीं है, एक वफादार की जरूरत है। तो मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए मेरे को आत्मबल नहीं आत्मविश्वास है कि मैं जो काम करूंगा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि एक जब भी कोई पद पर बैठता है